तो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसा कोई क्लियर मतलब डिवाइड नहीं होता है कि भैया यहाँ तक पीरियड हुआ तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जब हम लोग पढ़ते हैं मुगल के बारे में, तो मुगल के बारे में कब पढ़ते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो मुगल आया था इंडिया 526 के आसपास, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, ठीक। लेकिन जब हम मॉडर्न पढ़ते हैं तो मॉडर्न के अंदर जब हम पढ़ते हैं पुर्तुगीज के बारे में, तो वो इंडिया में आया था 1498 के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्या कि यहाँ अगर देखा जाए तो मेडिवल के पहले ही, मुगल के पहले ही मेरा मॉडर्न स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग कोई क्लियर ईयर वाइज हम लोग नहीं डिवाइड करते, हम लोग क्या करते हैं टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। कि भैया ये टॉपिक है तो इसके अंदर आएगा, ये टॉपिक है तो इसके अंदर आएगा, ठीक। तो हम लोग मेडिवल स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है एक फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लो हमारा दोबारा से स्टार्ट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एंसेंट में देख लेते हैं हम लोग क्या कि सभी क्लासेस जो हमारे एंसेंट के ऊपर हुआ था उसके अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। तो जो हमारा एंसेंट का जो पहला क्लासेस हुआ था, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने देखा था कि स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है। देन फिर देखा था स्टोन एज वगैरह देखा था हमने, ठीक। वहां पर फिर हमने देखा था क्या क्या सोर्सेज मेरा होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था प्रीहिस्टोरिक इंडिया कैसा सिचुएशन था। फिर मैंने देखा वहां देखा था प्लियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज देखा था हमने वहां पे, ठीक है। किस एज में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हमने वहां पे देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था मेसोलिथिक एज में क्या डेवलपमेंट हुआ था वो हमने देखा था, नियोलिथिक एज में क्या डिफरेंस हुआ था वो हमने देखा था, ठीक है। फिर उसका वो सब डायग्राम वगैरह भी देखा था हमने। फिर चारकोलिथिक कल्चर वहाँ पे देखा था हमने, फिर ये कल्चर देखा था हमने, ठीक है। फिर आयरन एज देखा था हमने, ठीक है। फिर साउथ इंडिया के अंदर जो मेगालिथिक एज था वो देखा था हमने, ठीक। फिर हमारा सेकेंड क्लास हुआ था हिस्ट्री का, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री का, उसमें हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, ठीक। कि क्यों उसको इंडस कहते हैं, फिर आर्कोलॉजी का एविडेंस क्या क्या है हमारे पास, ठीक। उसके बाद इसका स्ट्रेटजी क्या था रहने का वहाँ पे, ठीक। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसा था उनका, ठीक। उसके बाद उनका अर्बन सेंटर कैसा था, अर्बन प्लानिंग कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था उसका इम्पोर्टेंट सिटीज देखा था, उसका लोकेशन देखा था। फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा था वहाँ पे कैसा था, सोशल डिफरेंसेस कैसा था इंडस के अंदर वो देखा था हमने। फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन वहाँ कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। अच्छा आवाज आ रही है ना, हेलो, ठीक है। फिर हमने देखा था वहाँ पे कि सेंटर प्रोडक्शन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर था मेरा इंडस के अंदर वो हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रेड एंड इकोनॉमी कैसा था मेरा इंडस के टाइम में, ठीक। फिर हमने देखा था क्या फॉरेन कॉन्टेक्स्ट था इंडस के टाइम में, तो वो कैसा था नहीं था, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेड हम लोग करते थे था या नहीं था। फिर लोकल लेवल पर जो कल्चर था वो देखा था हमने, ठीक। फिर जो लोकल लेवल का कल्चर था, कोडी कल्चर, आर्मी कल्चर वो देखा था। फिर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन देखा था हमने कि वो लोग राइट से लेफ्ट तक लिखते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखा था उन लोगों का हमने, ठीक है। फिर सिविलाइजेशन इंड कैसे हुआ था वो देखा था हम लोगों ने, ठीक। फिर जो हमारा थर्ड क्लास हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि आर्यन एंड वैदिक कल्चर के बारे में, आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमने देखा था। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स था वो देखा था हमने। किसी का माइक से आवाज आ रहा है, मेरे से नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आर्यन के बारे में देखा था, ठीक है। फिर अर्ली वैदिक पीरियड देखा था हमने, ठीक है। इसमें अर्ली ऋग वैदिक पीरियड देखा था हमने, उसका ज्योग्राफी देखा था उसका। फिर पॉलिटिकल क्लासेस देखा था, उसमें कैसा क्लासेस हुआ था उनके बीच, सोशल डिवीजन देखा था हमने। ट्राइब्स एंड फैमिलीज का इंपॉर्टेंट देखा था हमने, वहाँ पे वुमेन्स का पोजिशन देखा था हमने। एग्रीकल्चर के बारे में देखा था, पेस्टलिज्म के बारे में देखा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, ट्रेड वगैरह देखा था, ट्रांसपोर्ट देखा था, क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा था वहाँ पे, ठीक है। फिर वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल्स देखा था हमने, कैसा था क्या नहीं था, ठीक। ठीक, उसके बाद हमने वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट किया देखना, ठीक। तो वहाँ पे हमने देखा था क्या होता है, ये लोग और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करते हैं। फिर वुमेन्स का कंडीशन और डिग्रेड होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन हमने देखा था यहाँ पर, एक्सटेंशन आयरन का यूज होता है, सेटलमेंट एंड टेरेटरीज देखा था इन लोगों का हमने थर्ड क्लास के अंदर। फिर क्रूड डायनेस्टी में रहा था वो देखा था हमने। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा था हमने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखा था हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था फैमिली देखा था कि लेटर वैदिक टाइम में फैमिली कैसा होता है, वुमेन का सिचुएशन कैसा होता है, इकोनॉमी कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, पेस्टोरिज्म कैसा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था, ट्रेड एंड एक्सचेंज कैसा था, रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ सिस्टम कैसा था उस टाइम में,
फिलोसफी एंड एडुकेशन सिस्टम कैसा था वहाँ पे, ठीक है, फिर वो खत्म। तो हमारा ये था जो हमने देखा था थर्ड क्लास के अंदर। फिर जो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का फोर्थ क्लास हुआ था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने वहाँ देखा था कि न्यू टेरिटरियल किंगडम जो बनता है आफ्टर द फॉल, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, लेटर वैदिक वैदिक पीरियड के टाइम के बाद जो हमारा जनपद आज महाजनपद बनता है, वो सब बनता है, ठीक है, वो सब हमने देखा था। इंड हरप्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद क्या होता है वो देखा था हमने। फिर न्यू न्यू रिलीजियस सेट होता है, ठीक है, जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, उसका क्या फ्यूचर था, नहीं था, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ टाउन देखा था हमने, जनपदास तो महाजनपदास देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था घनसंघा देखा था, ठीक है, हमने क्या देखा था, दो टाइप का किंगडम था, एक था जहाँ पे ऑटोक्रेसी था, एक घनसंघा था, मोनार्की था और किंगडम था, देखा था हमने। फिर हमने देखा था हेट्रोडॉक्स सेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट था जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका सेक्ट था, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होता है लोगों के अंदर, तो फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म जो स्टार्ट होता है। फिर मेरा हिंदू इंडियन फिलोसफी के अंदर, हिंदू फिलोसफी के अंदर छह ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होता है मेरा, ठीक है, छह होता है, ये होता है न्याय, ये सब हमने देखा था ऑलरेडी। सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा आजीविका सेक्ट, जिसको प्रमोट किया था बिंदुसारा ने, भी प्रमोट किया था, ठीक है, वो सब हमने देखा था। फिर जैनिज्म के बारे में देखा था, ठीक है। फिर लाइफ ऑफ महाबुद्ध टेक्स, जैनिज्म का इंपॉर्टेंट टेक्स देखा था, उनका बिलीफ सिस्टम देखा था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद उनका थ्री रत्ना देखा था, ग्रेट वॉ ऑफ जैनिज्म देखा था हमने, नन वॉयस देखा था जैनिज्म के अंदर कैसा है क्या नहीं है, सोशल इनइक्विटी के बारे में देखा था जैनिज्म के अंदर, वुमेन का कंडीशन के बारे में देखा था जैनिज्म के अंदर, फिर जैनिज्म का कैसा डिक्लाइन होता है वो भी देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है, फिर बुद्धिज्म को लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में देखा था स्टार्टिंग में, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसके बारे में देखा था, चार काउंसिल हुआ था, फिर बुद्धिस्ट सेक्ट क्या था उसका देखा था हमने, ठीक है, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या क्या था वो हमने अच्छे से देखा था, समझा था। फिर फोर नोबल टू तब बुद्धा क्या था वो हमने देखा था, ठीक है, फिर बुद्धा मिडिल और एट फोल्ड पार्ट जो था उनका वो देखा था हमने। फिर हमने देखा था डिक्लाइन, बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे होता है इंडिया के अंदर, वो हमने देखा था। फिर उसके बाद देखा था हमने जो इम्पायर रेस होता है मेरा उसके बाद, ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो 16 महाजनपद होता है उसके बीच में स्ट्रगल होता है, ठीक, उस स्ट्रगल में क्या होता है फाइनली मगध विनर बन के इमर्ज होता है, तो पॉलिटिकल चेंज क्या क्या होता है, उसके बाद लीडरशिप कहाँ से कहाँ तक जाता है वो हमने देखा था। फिर लिटरेरी सोर्सेज क्या था वो हमने देखा था, आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या था वो देखा था, एपिग्राफिकल सोर्स क्या था वो देखा था हमने। फिर मगधा का जो इमर्ज होता है उसका रीजन क्या था, ठीक है, वो देखा था कि मगधा क्यों आखिर 16 में से 16 टीम जो आपस में लड़ते रहता है उसका ऐसा क्या रीजन होता है जो मगधा विनर बन के निकलता है, ठीक है। फिर राइज ऑफ मगधा, हर्यंका डायनेस्टी पहले आया था वहां पे, ठीक है, उसके बाद आता है शिशुनागा डायनेस्टी, शिशुशंगा डायनेस्टी, फिर आता है नंदा डायनेस्टी, वहां हमने देखा था नंदा डायनेस्टी को सबसे पहला एम्पायर बनाता है इंडिया के अंदर, फिर नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस करता है क्या मौर्य एम्पायर, ठीक, तो उस समय तक्षशिला एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का रहता है वहां पे, ठीक। फिर पर्शियन एंड मैकेडोनियन इन्वेजन वहां पे होता है वो हमने देखा था, उसके कारण क्या कांटेक्ट के कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हमने देखा था, कि ट्रेड वगैरह रिलेशन हमारा इंप्रूव होता है वो सब हमने देखा था। अलेक्जेंडर इन्वेजन देखा था फिर हमने वहाँ पे, ठीक है, फिर तो उसके बाद अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद हमारा क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको हमने स्टडी किया था, ठीक है। फिर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि उनका सोर्सेस क्या क्या है उनके बारे में जानने का हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा था, ठीक, उसके बाद हमने बिंदुसारा के बारे में देखा था, उसके बाद अशोका के बारे में देखा था हमने, ठीक है, फिर अशोका का जो एडिक्ट्स था, पिलर्स था, उसके बारे में स्टडी किया था, ठीक, मौर्य का स्टेट कैसा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में स्टडी किया था, फिर अर्थशास्त्र क्या था नहीं था वो था वो हमने स्टडी किया था, फिर उनका प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हमने देखा था, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखा था, आर्मी कैसा था वो देखा था, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था वो देखा था हमने, ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखा था हमने, ठीक, अशोका का जो धम्मा पॉलिसी था वो क्या था वो समझा था हमने, फिर एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम में वो समझा था हमने, फिर क्राफ्ट एंड गुड्स सिस्टम कैसा था वो देखा था हमने उस टाइम में, फिर मेनली जो स्टार्ट हुआ था ट्रेड कैसा था उस टाइम में वो देखा था, ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ पर कॉइन्स एंड करेंसी सिस्टम कैसा था उस टाइम में, अशोका के टाइम में या मौर्य के टाइम में बोल सकते हैं हम लोग, फिर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग कैसा था उस टाइम में वो हमने देखा था, ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर कैसा था उस टाइम में वो हमने देखा था, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ था आर्ट एंड कल्चर में वो हमने देखा था, ठीक है।
उसके बाद देखा था कि साउथ इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में, ठीक है। तो जब नॉर्थ के अंदर मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है तो साउथ में फिर हमारा सातवाहन स्टार्ट होता है, ठीक। तो इपिग्राफिक सोर्सेज क्या क्या, लिटरेरी सोर्सेज क्या, फॉरेन सोर्सेज क्या, हमने देखा था, ठीक है। मौर्य के टाइम में साउथ इंडिया कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। सातवाहन पीरियड स्टार्ट होता है मेरा फिर, तो सातवाहन पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि सबसे पहला बात जो ग्रांट ब्राह्मणों को लैंड देने का जो ग्रांट सिस्टम स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टार्ट होता है मेरा सातवाहन पीरियड में स्टार्ट होता है। फिर संगम एज आता है मेरा, वो हमने देखा था, ठीक है। फिर चोला एज आता है, वो हमने देखा था, ठीक है। फिर चेरा एज आता है, वो हमने देखा था। पांड्या जाता है, वो देखा था। तो मैंने वहां पे ये चीज बताया था क्या, कि इनका एज जो होता है खत्म नहीं होता है, ठीक, कंटिन्यूसली चलते रहता है। कभी इमर्ज होके आता है पावरफुल, कभी छोटे में सिमट जाता है। तो ये हमारा जो 1st सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था, वो हमारा 10th सेंचुरी AD तक चलते रहेगा आएगा। इवन मेडिवल के अंदर भी जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग को पल्लवास के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी कैसा था वो हमने देखा था, ठीक है। फिर ट्रेड वगैरह कैसा था वो हमने देखा था। आइडियोलॉजी कैसा था, रिलीजन कैसा था वो समझा था हमने। फिर काला बरा एज आता है, ठीक, जिसको कि एक साथ डार्क एज बोला जाता है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ था वो हमने समझा था वहां पे। फिर उसके अगले क्लास में हमने मौर्य पीरियड के बारे में देखा था कि क्या था सिस्टम, इंडो ग्रीक रिलेशन कैसा था उस टाइम में हमने देखा था, ठीक है। फॉरन कॉन्टेक्ट हमारा, फिर इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में देखा था, फिर मिएंडर जो किंग था उसके बारे में देखा था, फिर साकास प्रियस्तास और कुशाना के बारे में देखा था, ठीक है। साकास के बारे में डिटेल में देखा था हमने, फिर कुशानास के बारे में देखा था, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में गोल्ड ने स्टार्ट किया था। सब में दिया, पता नहीं क्यों कट जाता है बीच में, ठीक है। तो बुद्धिज्म का हम देखा था कि साकास ने बुद्धिज्म कैसे प्रमोट किया था, सर कुशा कनिष्का ने। फिर कॉइन्स कैसा था सिस्टम उनका, इंस्क्रिप्शन कैसा था वो हमने देखा था, ठीक है। फिर ट्रेड कैसा था वो देखा था हमने उस टाइम में। फिर इकोनॉमी कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था आर्ट एंड लिटरेचर कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर ये हो गया मेरा। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था शायद गुप्ता स्टार्ट किया था उसके बाद, बस दो और स्लाइड है, गुप्ता होगा और वर्धना होगा। फिर हमने गुप्ता का स्टार्ट किया था देखना, तो गुप्ता का हमने देख लिया था पहले कि क्या सिचुएशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ था उसके पहले वाले सिचुएशन के टाइम में। फिर लिटरेरी सोर्सेस हमारा क्या क्या है, इपिग्राफिकल सोर्सेस क्या क्या है हमारा, ठीक। फिर कॉइनेज सिस्टम क्या क्या था, सोर्सेस था हमारा वो था, ठीक। ऑरिजिन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हमने देख लिया था, श्री गुप्ता भाई का। फिर चंद्रगुप्ता वन का हमने देख लिया था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूलर्स का। समुद्रगुप्ता का हमने देख लिया था, ठीक है। फिर हमने देख लिया था उसके टाइम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे। फाइन अकाउंट जो उसके टाइम में आया था उसका क्या था, चाइनीज ट्रेवलर था, उसका क्या अकाउंट था, उसने इंडिया कैसे क्या क्या पाया वो देख लिया हमने वहाँ पे। फिर चंद्रगुप्ता टू का रूल आया था, उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया वो हमने देख लिया था, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, नाम ईयर फोकस किया था, लेकिन अब क्या होता है कि अब हिस्ट्री का मतलब सिर्फ नाम और ये नहीं होता है, आपको ईयर याद भी नहीं है, नाम याद भी नहीं, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसका काम याद होना चाहिए उस बंदे का, तो काम पे फोकस करना है। तो सेम काम मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये फोकस नहीं करेंगे भैया किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में कौन सा ईयर ईयर में हुआ था, ठीक है। वो एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा क्या, उसके काम के ऊपर। तो फिर हम लोग देख लेते, फिर हमने देखा था गुप्ता पीरियड के टाइम में किंग का क्या पावर था, नहीं था, ठीक है। फिर मिनिस्टर्स क्या कैसा सिस्टम फंक्शन करता था वो देखा था हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करता था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था एम्पायर कितने पार्ट में डिवाइड था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल के बिलो में क्या था हमने वो देखा था, ठीक है। भोजा वोजा ये सब हमने देखा था, ग्रामीका ये सब देखा था, आर्मी कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर कैसा था वो देखा था हमने, ठीक। इरिगेशन सिस्टम कैसा था वो देखा था हमने। फिर फार्मर्स लोग का पोजिशन कैसा था वो देखा था हमने, क्या क्या टैक्सेस भरना पड़ता था उन लोगों को वो देखा था हमने। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था वो देखा था हमने। फिर ट्रेड इन कॉमर्स कैसा था वो देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। फिर वहां पे अभी के टाइम में जो भी हमारा टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था ना, अभी के टाइम में जो भी टेम्पल देखते हैं हम लोग, चाहे वो साउथ इंडिया के अंदर हो हमारा द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, चाहे नॉर्थ के अंदर नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है गुप्ता पीरियड के टाइम में, ठीक है। तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पल डेवलपमेंट का 5 स्टेज देखा था बहुत डिटेल के अंदर। स्तूपाज होता है, स्टोन स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, मेटल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, पेंटिंग का हमने डेवलपमेंट देखा था, टेराकोटा एंड पॉटरी डेवलपमेंट देखा था वहाँ पे, संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट देखा था हमने। फिर पुराना इतिहास का डेवलपमेंट देखा था, जो भी हिंदुज्म के अंदर आज जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है हमारा, सबका फाइनल शेप गुप्ता पीरियड के टाइम में दिया गया था सबको।
बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब लिखा गया था, क्या क्या हुआ था, उसका क्या डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम में वो हमने देखा था। फिर जैन लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ था वो देखा था। फिर सेक्युलर लिटरेचर क्या क्या बना था उस टाइम में वो देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था प्राकृतिक लैंग्वेज क्या हुआ था, हमने क्या वहाँ पे क्या पढ़ा था, संस्कृत जो था वो लैंग्वेज क्या था, क्लासेस का लैंग्वेज नहीं था वो, मतलब सिर्फ क्लास का, सिर्फ अपर मोस्ट क्लास का, रूलिंग क्लास का लैंग्वेज था, लेकिन मोर देन जो मतलब जो नॉर्मल पीपल थे उनका लैंग्वेज प्राकृतिक था, ठीक है। तो संस्कृत कभी भी इंडिया का मतलब लैंग्वेज ऑफ मासेस नहीं रहा, वो सिर्फ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस रहा, मतलब कुछ अपर क्लास के जो लोग थे, रूलिंग क्लास के लोग थे, सिर्फ उनका लैंग्वेज था, वो कभी भी मासेस का नॉर्मल पीपल का लैंग्वेज कभी नहीं बना था संस्कृत हमारा, ठीक है। इवन जबकि गुप्ता पीरियड के टाइम में जब संस्कृत अपने पीक पे था उस टाइम में भी संस्कृत जो था वो सिर्फ इलिट क्लास का लैंग्वेज था, कॉमन पीपल जो थे उस समय प्रकृत यूज करते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हमने देखा था, क्या हुआ था नहीं हुआ था, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट देखा था हमने वहाँ पर, मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट देखा था वहाँ पे हमने, फिर गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन कैसा होता है वो हमने देखा था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे, क्या फ्यूडलिज्म का, कि गुप्ता पीरियड के टाइम में स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो खैर होना स्टार्ट हो जाता है हमारा सतवाना के टाइम से, लेकिन फाइनल शेप में गुप्ता पीरियड के टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हमने देखा था ना भैया वहाँ पर डिस्कस किया था, क्या कि पहले क्या होता था, जो ओनर होता था फील्ड का, ठीक ना, वो फार्मर भी होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि जरूरी नहीं कि जो ओनर है वो फार्मर भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हर्षा किंगडम देखा था, हर्षवर्धना का देखा था, वर्धना डायनेस्टी, तो हमने वहाँ पे कहानी बहुत अच्छे डिस्कस किया था, ठीक है, बॉलीवुड स्टोरी टाइप का, कि ये एक बच्चा रहता है, उसका बड़ा भाई होता है, वो जाता है, मतलब उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया जाता है, बट वो जाता है बचाने के लिए, बचा नहीं पाता, डेथ हो जाता है, तो उसका छोटा भाई आके बोलता है भैया हम सबका बदला लेंगे, तो छोटा भाई का नाम ही होता है मेरा हर्षवर्धना। तो हमने बहुत बार रिपीट करके स्टोरी समझा था। तो जब हर्षवर्धना होता है तो वर्धना इंपायर जब होता है वहां पे, तो वहीं पे तीन टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब थ्री पार्टी स्ट्रगल स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है। नहीं वहां पे नहीं होता है, वो बाद में स्टार्ट होता है, हर्षवर्धना पीरियड के बाद में, जब पाला इंपायर होता है, राष्ट्रकुटा इंपायर होता है और प्रतिहारा से होता है। तो वर्धना इंपायर का हमने देखा था, हर्षवर्धना के टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ था नहीं हुआ था, क्या लिटरेरी सोर्सेस था, एपिग्राफिक सोर्सेस क्या क्या था वो हमने देखा था। फिर हर्षा का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, हमने जब यहाँ पढ़ा था हर्षा का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, हमने क्या देखा था, वो भैया ये मतलब बहुत जगह आसपास का एरिया का एक्वायर करके कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि भैया आप जाते हैं साउथ के अंदर, ठीक ना, हमला करके आराम से जीत जाएंगे, ठीक। लेकिन क्या होता है जब हर्षवर्धना साउथ में जाता है तो नर्मदा रिवर के पास उसका वॉर होता है साउथ के किंगडम के साथ, तो उस समय साउथ में जो किंगडम राज करता है उसका नाम है चालुक्य किंगडम, ठीक है। तो चालुक्य किंगडम हम देखेंगे अगला क्लास जो मेडिवल का मैच स्टार्ट होगा उसमें चालुक्य किंगडम ही पहले देखेंगे, ठीक। तो बस यहाँ पे ये समझते हैं, क्या हर्षवर्धना ने जब फिर वहां पे अपना एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए साउथ इंडिया के अंदर अटैक करने की कोशिश किया था तो उसको चालुक्य किंग पुलकेशिन टू ने डिफीट किया था, ठीक है। हर्षवर्धना का चाइना के साथ क्या रिलेशन था, बहुत अच्छा दोस्ती वोस्ती था ये, कि जिसने उसको हर्षवर्धना को हटा दिया था गद्दी से, उसको फिर बंदी बना के जाने वाला ले जाता है अपने पास में, तो ये भी चीज था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हमने देखा था। फिर इसके टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूल कैसा था वो हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखा था हर्षवर्धन के टाइम में कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखा था हमने, ठीक है। फिर आर्मी देखा था, डिवीजन ऑफ एम्पायर देखा था वर्धना के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में। फिर सिटीजन टाउन का डेवलपमेंट देखा था हर्षवर्धन के टाइम में हमने। फिर उसका रिलीजियस पॉलिसी क्या था वो हमने देखा था। फिर कास्ट सिस्टम कैसा था उस टाइम में वो हमने देखा था। वुमेन का स्टेटस कैसा था वो देखा था हमने। फिर लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था वो देखा था हमने। उनका डाइटरी हैबिट क्या था वो देखा था हमने। खान पीन का तरीका, एडुकेशन कैसा था वो देखा था हमने। फिर आर्ट एंड लिटरेचर क्या हुआ था डेवलपमेंट वो देखा था हमने। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था हमने वहां पर भी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पाला एम्पायर के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो बंगाल के अंदर था लास्ट, ये लास्ट एम्पायर था, इसने बुद्धिस्ट को या बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, पैट्रोनाइज किया था इंडिया के अंदर। उसके बाद बुद्धिज्म गायब हो जाता है इंडिया के अंदर और नॉर्थ इंडिया में चले जाता है और ज्यादा तिब्बत वगैरह में, ठीक है। फिर धर्मपाला था पाला डायनेस्टी के अंदर, वो हमने देखा था अच्छे से। देवपाला देखा था, सबने क्या क्या इंस्टीट्यूशन बनाया था वो सब हमने देखा था, ठीक है। ये लोग थ्री पार्टी स्ट्रगल में हो जाता है, स्ट्रगल में स्टार्ट हो जाता है। रिलीजियस कैसा था इसके टाइम में, पाला एम्पायर के टाइम, वो हमने देखा था। आर्किन आर्किटेक्चर कैसा था वो देखा था हमने। लिटरेचर कैसा था वो देखा था हमने। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था ये राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि राष्ट्रकूटा के टाइम क्या डेवलपमेंट हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो एलोरा के अंदर हमारा कैलाशनाथ टेम्पल है वो राष्ट्रकूटा के टाइम में बनना स्टार्ट होता है मेरा, ठीक। तो इम्पोर्टेंट रूलर का नाम हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर हमने इनके टाइम में रिलीजियस कैसा था वो देख लिया था हमने, ठीक है। साउथ के अंदर लिटरेचर कैसा था वो देख लिया था हमने। कन्नड़ लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था इनके टाइम में। आर्किटेक्चर कैसा था वो देख लिया था हमने। इन्होंने एलोरा और एलिफेंटा का जो केव था वो बनवाया था अपने टाइम में। फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा था क्या,
ये कुछ नहीं था, मेरा खत्म हो गया था, ये खत्म राजकोटा करने का हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंशियंट खत्म हो चुका था, ठीक। तो फिर उसके बाद हमने मॉडर्न किया, मॉडर्न करने के बाद आप मतलब मेडिवल करने वाले हैं। तो हमने देख लिया था कि हर्षवर्धन के टाइम में क्या सिचुएशन था, नहीं था, उसके बाद क्या होता है मेरा, वो हमने देख लिया था नॉर्थ के अंदर। अब देखते थोड़ा साउथ के अंदर, ठीक। मेडिवल का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया क्या होता है, ठीक। तो उस टाइम मेनली क्या होता है, देखो, कल्चरल डेवलपमेंट साउथ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी वॉज मार्क बाई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्या और बदामी एंड पल्लवाज ऑफ कांची। जिस तरीके से हमारा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर तो मेनली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, थ्री पार्टी स्ट्रगल, ठीक। मतलब क्या, ये पाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर हमारा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, ठीक। तो मेनली क्या होता है, इनका स्ट्रगल मेनली स्टार्ट होता है 9th या 10th सेंचुरी के पास, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है हमारा, कि देखो मेनली हमने अभी देखिए राष्ट्रकूटा के बारे में देखा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, राष्ट्रकूटा जो रूल करने आता है ना, तो वो रिप्लेस करता है चालुक्या को, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी वाइज देखा जाए तो हमारा चालुक्या डायनेस्टी पहले आता है और राजकोटा बाद में आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ पाला कर रहे थे, और पाला में करते टाइम हम लोग को एक थ्री पार्टी स्ट्रगल आता है, तो उसमें राजकोटा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना, इसलिए हम लोग वहाँ पर राजकोटा कर लिया था। बट चालुक्या की डायनेस्टी पहले आता है, इसी चालुक्या डायनेस्टी को रिप्लेस करके फिर बाद में राजकोटा आता है। क्लियर है भैया? तो जब चालुक्या किंगडम क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के आसपास रहता है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि साउथ इंडिया के टाइम में 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक के बीच का टाइम जोन होता है, उसमें क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट किंगडम हमारा होता है, एक कौन सा होता है, चालुक्या होता है, एक होता है हमारा पल्लवा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, इनके दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल होता है टेरिटरी को एक्यूपाई करने के लिए। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी टू द 9th सेंचुरी वॉज मार्क बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्या और बदामी, ठीक है, एंड पल्लवा ऑफ कांची। द पीरियड सॉ ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक। इट ऑल्सो सॉ डेवलपमेंट इन न्यू एरियाज लाइक डिवोशनल लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। थोड़ा बड़ा भक्ति मूवमेंट का भी यहाँ पे इनिशियल फेज स्टार्ट हो जाता है। मेनली भक्ति मूवमेंट जो हमारे स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है हमारे पल्लवास के टाइम में ही स्टार्ट होता है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। भक्ति मूवमेंट विच इंपैक्टेड द इंटायर सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनेटेड इन द तमिल कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लियर है? तो ये मेनली क्या होता है, 6th से 9th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया हमारा ये चीज होता है। क्या होता है, पहला चीज तो क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट रूल होता है, चालुक्या बदामी और पल्लवाद, इनके बीच में कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। इस पीरियड में कल्चरल एंड लिटरेचर डेवलपमेंट भी होता है मेरा, ठीक। उसके बाद क्योंकि भक्ति मूवमेंट का इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिवोशनल लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, क्या ये रहा मेरा चालुक्या डायनेस्टी का एरिया, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र बोल सकते हैं, प्रेजेंट डे तेलंगाना बोल सकते हैं, प्रेजेंट डे कर्नाटक बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोर्सेस क्या है हमारा, ठीक है। सोर्सेस हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए, बिकॉज सोर्स को कोट करने से हमारा जो बात हम लोग पढ़ रहे हो उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, कि सोर्स हमारा क्या है। अब देखते हैं ये सब जो हमको जानकारी मिल रहा है साउथ इंडिया के बारे में, उसका सोर्सेस क्या क्या है। इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट ऑन टेम्पल वॉल एंड पिलर, तो हमने क्या देखा था, पहले के राजा जो बनवाते थे तो पिलर पे इंस्क्रिप्शन करवाते थे, टेम्पल वॉल पे इंस्क्रिप्शन करवाते थे वो। इंस्क्रिप्शन यूज बाय चालुक्या एंड कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड पल्लवा इन तमिल एंड संस्कृत, ठीक है। तो इन लोगों ने इन सारे लैंग्वेज के अंदर इंस्क्रिप्शन करवाया था। रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण, टू ब्राह्मण को, और जो एडुकेटेड पर्सन थे उनको जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसका भी रिकॉर्ड करवाया जाता था, तो वो रिकॉर्ड भी हम लोग का एक टाइप से सोर्सेज है हिस्ट्री के जानने का। रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मिन्स एज वेल एज अ रॉयल एंड नॉन रॉयल गिफ्ट मेड टू रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो राजा जो मतलब ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे या फिर टेम्पल्स को गिफ्ट देते थे, लैंड वगैरह, जमीन वगैरह, तो उसका वो भी इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते थे। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कोई मिनिस्टर अगर नाला ही बनवा रहा है तो क्या होता है, नाला के आगे बोर्ड लगा देता है कि हाँ ये इसने बनवाया बोर्ड, ठीक है। तो पहले के टाइम में सोचो कि जो राजा बना रहा मंदिर बनवा रहा था तो अपना नाम करने के लिए तो लिख पाएगा इंस्क्रिप्शन वहां पर, तो सेम काम, तो ये हमारा हिस्ट्री का सोर्सेज होता है। आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन, ये याद रखना कि आईहोल इंस्क्रिप्शन जो था किसके नाम था, पुलकेशन टू का, कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रविकृति इन संस्कृत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ चालुक्य इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो मेमोरीज करने वाला चीज है, ठीक है, याद करने वाला चीज क्या है कि सबसे पहला क्या, अहिल इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, चालुक्या किंगडम से रिलेटेड है, किसके टाइम में हुआ था, पुलकेशन टू के टाइम में हुआ था, किसने कंपोज करवाया था, रविकृति ने करवाया था, किस लैंग्वेज में करवाया था, संस्कृत में करवाया था। भक्ति मूवमेंट विच ऑरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया फाउंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन इन द सॉन्ग कम्पोज बाय अल्बराज एंड नारायणास। ये मेनली समझ लो, मेनली क्या होता है कि उस समय जो था
इंडिया के अंदर भक्ति मंडल स्टार्ट हुआ तो जो एग्जांपल हिंदू रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मेनली जो उस समय दो गॉड को ज्यादा प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट दिया गया, एक था हमारे लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो जो मेरा साउथ इंडिया था वो कहीं ना कहीं सेविज्म में चला गया और जो हमारा नॉर्थ इंडिया था वैष्णविज्म में चला गया, ठीक है। ये नारायण जो था ये शिवा के फॉलोअर्स होते थे हमारे, ठीक है, अलवर जो हुए हमारे विष्णु के फॉलोअर्स होते थे, डिटेल हम बाद में देख लेंगे। माधवल सर इन्होंने ये काम, ठीक है, महेंद्र वर्मा के ऊपर बुक लिखा था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है पल्लवा पीरियड का हमारा। मेनी इंस्क्रिप्शन सोर्स इंक्लूडिंग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त एंड द आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये भी हमारा सोर्सेज है। कुर्रम कॉपर प्लेट ऑफ क्या परमेश्वरम वर्मन एंड ये कॉपर प्लेट ऑफ रिकॉर्ड द मिलिट्री अचीवमेंट्स उनका हुआ है, ठीक है। तो कॉइन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड, तो कॉइन्स हम लोग उस एरिया का इकोनॉमिक कंडीशन ही पता लगा सकते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था एंशियंट हिस्ट्री क्लास में, फिर से बता देता हूँ। अगर मान लो कॉइन के अंदर जो प्रीसियस मेटल है उसका मतलब वेटेज ज्यादा है तो उसमें तो क्या इकोनॉमी अच्छा है, लेकिन मान लो वेटेज कम हो जाएगा उसके अंदर प्रीसियस मेटल का, ठीक है, तो इकोनॉमी थोड़ा डाउनवर्ड हो गया। तो बुद्धिस्ट सोर्स सच एज देवा पासमा एंड महावासमा रिटन पाली अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर हुनसेंग एंड ईस्टिंग gives us detail about the social, religious and cultural condition of the Pallavas time, ठीक है। तो ये जो foreign travels आते थे उन्होंने जो इंडिया में देखा वो उन्होंने लिखा, तो वो भी हमारा important source होता है। ये सब already हम discuss कर चुका है मतलब पहले क्लासेस के अंदर। 9th and 10th century writing of Arab travels, जो अरब के ट्रेवलर्स आए उन्होंने भी इंडिया में जो देखा उन्होंने वो लिखा। ज्योग्राफर्स जो आए इंडिया के अंदर उन्होंने जो लिखा देखा वो लिखा, ठीक है। अल मसौदी हुआ, इबन हुल्का हुआ, ये सब भी इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा था। नाम याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ आईहोल, तो अब क्या होता है कि ये सब मंदिर के अंदर जो स्कल्पचर बनाते थे वो भी क्या होता है उस टाइम का ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था लोगों का, ठीक, वो सब भी शो करता है। उस टेम्पल का जो मूर्ति था, ठीक है, उस मूर्ति से भी हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बदामी में टेम्पल बना था, आईहोल ने बनाया था, ठीक है, ये सब देखा था हमने, ये सब हमारा सोर्सेज है। तो हम पर्टिकुलर स्टार्ट करते ये डायनेस्टी के बारे में पढ़ना, चालुक्य और बदामी के बारे में, इसको वतापी भी कहते हैं, एक ही चीज है। चालुक्य डायनेस्टी इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग पावर विथ इट्स फाउंडर पुलकेशिन वन ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी सीई फोर्टिफाइंग अ हिल नियर बदामी, ठीक है। तो क्या होता है इसके फाउंडर कौन होता है या फिर उसका मतलब फाउंडर कौन होता है, पुलकेशिन वन, ठीक है, 6th सेंचुरी सीई में स्टार्ट होता है ये। ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कादंबाज, इट इज सेड दैट ही परफॉर्म्ड अ मेगा एक्ट। मेनली क्या, देखो मेनली क्या होता है, कोई भी किंगडम अपने आप में नहीं आता, ठीक है, तो कोई भी राजा अगर अपना इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाता तो होता क्या था कि वो पहले खुद किसी ना किसी डायनेस्टी का एक छोटा सा फेडरेटरीज होता था, मतलब जमींदार टाइप का होता था किसी और राजा के अंदर में, लेकिन जैसे उसको मौका मिलता था वो अपना एक अलग किंगडम बना लेता था मिलिट्री स्किल्स का यूज करके, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर भी हुआ था कि कादंबास के अंदर में वो था, बट जब उसको मौका मिला तो उसने अपना एक अलग किंगडम बना लिया कि चालुक्य किंगडम। उसने अश्वमेघा यज्ञ भी किया था। कैपिटल बदामी वॉज फाउंडेड बाय कृति वर्मन, ठीक है। तो जो चालुक्य और बदामी का जो इम्पोर्टेंट जो कैपिटल सिटी था वो था हमारा बदामी, इसलिए इसको चालुक्य और बदामी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हमारा चालुक्य किंगडम था ये मतलब कुछ ब्रांचेस में फैमिली रूलिंग था, तो कुछ फैमिली मेंबर्स इस एरिया को रूल करता था, कुछ इस एरिया को रूल करता था, कुछ इस एरिया को रूल करता था, ठीक है। जो जिस एरिया को रूल करता था उसको उसके नाम से बना देते थे हम लोग, जैसे एग्जांपल ये वतापी का हो गया चालुक्य, ये यहाँ का चालुक्य हो गया, ये वहाँ का चालुक्य हो गया, देखेंगे आगे। तो उन चार ब्रांचेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस था वो चालुक्य वाला ही था, चालुक्य बदामी का। पुलकेशिन वन ग्रैंड सन पुलकेशिन टू आफ्टर डिफीटिंग मंगलेशा द प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज किंग एंड इवेंट दैट डिस्क्राइब इन द आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये चीज दिया गया क्या, उसका जो ग्रैंड सन था पुलकेशिन टू वन का, यहाँ पे देखो ये उसका सन था, ये उसका ग्रैंड सन था, वो उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, खाली सक्सेसर वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या जो पुलकेशिन टू था, ठीक है, उसने डिफीट किया था इस बंदे को, इंपॉर्टेंट नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विक्ट्रीज ऑफ पुलकेशिन टू, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विक्ट्रीज ऑफ पुलकेशिन टू वाज़ द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन आर्मी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का चीज है। किंग्स ऑफ मालवा कलिंगा एंड ईस्टर्न डेक्कन एक्सेप्टेड हिज रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आसपास का एरिया था कलिंगा का, ठीक है, मालवा का, इन्होंने इसके रूल को एक्सेप्ट कर दिया, वरना कौन झगड़ा करे बेकार का। हिज विक्ट्रीज ओवर द कदंबास एंड गंगाज ऑफ मैसूर हाउ वेयर हिज अटेम्प्ट टू अटैक कांचीपुरम वाज डिफीटेड बाय महेंद्रवल्लभ पल्लवा, ठीक है। जब यह कुछ रूल जीत गया तो उसको क्या लगा कि भैया पल्लवा डायनेस्टी यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो एक काम करते उस पर अटैक करके उसको भी अपने में शामिल कर लेते, लेकिन दोनों एक टाइप से बोल सकते कि दोनों
एक पावरफुल किंगडम था, इसलिए वो उसका जो सपना था कि भैया मैं इसको जीतू पल्लवा को, वो नहीं हो पाया। हाउएवर हिज अटेम्प्ट टू अटैक कांचीपुरम वॉज डिफीटेड बाय महेंद्र वर्मन पल्लवा, दिस लीड टू अ लॉन्ग वॉर बिटवीन चालुक्य एंड पल्लवा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, नाम उतना याद ना भी रहे तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम याद रखने का चीज है यहाँ पे चालुक्य के अंदर, कुलकृष्ण टू का। नरसिंह वर्मन पल्लवा किंग अटैक द अनऑक्युपाइड बदामी। ठीक है, अब देखो मेनली क्या होता था, मैंने ऑलरेडी बताया एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या होता था कि मान लो ये बदामी का किंगडम है, ठीक है ना, और ये चालुक्य का किंगडम है, और ये मान लो पल्लवा का किंगडम है। तो होता यह था, इस साल मान लो इसे झगड़ा किया, लड़ाई किया, तो थोड़ा जी एरिया ये जीत गया, तो ये एरिया इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अगली बार उसने यहाँ पे अटैक किया, इसने कुछ एरिया इसका ऑक्युपाई कर लिया। तो ये बाउंड्री जो होता है वो पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता, वो हर टाइम हर दिन चेंज होते रहता था, एक टाइप से बोल सकते हो। तो कभी ये उसके ऊपर अटैक कर लेता था, कभी वो अटैक कर लेता था। यहाँ पे हमने क्या देखा, कुलकृष्ण टू ने अटैक किया। अब यहाँ पे क्या, नरसिंह वर्मन पल्लवा किंग था, उसने अटैक किया, बदामी को ऑक्युपाई किया। ठीक है, फिर वो कुलकृष्ण टू डाई कर जाता है वहां पे। पल्लवा कंट्रोल ओवर बदामी एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द चालुक्य एम्पायर कंटिन्यूड सेवरल इयर्स। तो खाली मेनली ये याद रखना है क्या कि राजकुटा के पहले जो इम्पोर्टेंट हमारा रूल था, ठीक ना, राजकुटा के पहले का जो पीरियड था हमारा साउथ इंडिया के अंदर बिटवीन 6th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, हमारा चालुक्य और पल्लवा के बीच में कंटिन्यूस स्ट्रगल चलता है। ठीक, पहला चीज तो ये, इसके जो डेवलपमेंट हमारा होता है तो उसके का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन द मिड 8th सेंचुरी चालुक्य और बदामी वे ओवर पावर एंड रिप्लेस बाय राजकुटा, जिसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन में देख लिया, डिटेल में देख चुका है राजकुटा के बारे में। भैया भैया यहाँ पे ज्यादा कुछ समझे एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्या एक्सप्लेन करूंगा सब चीज में। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है, नाम वगैरह आ ही गया है तो बोरिंग होगा ये चीज मेरी बोला। तो जहां जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं खुद बता देता हूँ कि इस पर फोकस करना आपको। ठीक है, फिर ये जो हमारा चालू किया, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। अब तक जो था वो नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा अब वो याद रखना है कि भैया ये जो मेरा चालुक्य का जो मतलब एक टाइप से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल सा बात है। इन डायनेस्टिक सक्सेशन बर्थ राइट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब ये जरूरी नहीं था कि मतलब राजा का बड़का बेटा था वही राजा बनेगा। ठीक है, जनरली द एल्डर वॉज टू बी अपॉइंटेड एज युवराज वाइल द किंग वॉज इन ऑफिस। ठीक, तो मेनली क्या होता था, सभी प्रिंसेस को, सभी बच्चों को क्या होता था कि ट्रेनिंग के लिए युवराज घोषित करके सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। उसमें से जो ज्यादा एलिजिबल होता था उसको फिर गद्दी सौंपा जाता था। ठीक, तो जो मतलब सक्सेशन का जो रूल था कि बर्थ राइट आप बड़े हो तो आपका गद्दी होगा, ये फॉलो नहीं किया जाता था। The high got trained in literature, law, philosophy, martial art and others. Chalukya king claimed to rule according to dharma shastra and niti shastra. तो ठीक है, तो ये मतलब बोलता था भैया हम लोग हम जो रूल establish कर रहे हैं, हम जो रूल कर रहे हैं वो धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कुलकृष्ण वन वॉज वेल मनु शास्त्र पुराना और ये सब भी उनका मतलब इंपॉर्टेंस दिया था इन्होंने भी, इसको हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया था बोल सकते हम लोग। इन द बिगनिंग चालुक्य किंग्स एज्यूम टाइटल सच एज महाराजा, ठीक है, फिर श्री पृथ्वी वल्लभान, ये सब टाइटल एज्यूम किया था, हाई साउंडिंग टाइटल एज्यूम किया था उन्होंने। आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धना कुलकृष्ण टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परमेश्वरम। ठीक है, तो हर्षवर्धना को हराने के बाद कुलकृष्ण टू ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था परमेश्वरम का। इनका जो रॉयल सिंबल क्या था, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर था इनका रॉयल सिंबल, ये याद रखना है। इट वॉज क्लेम्ड दैट इट रिप्रेजेंटेड द वराह अवतार ऑफ विष्णु, ऐसा कहा क्यों था वाइल्ड बोर, क्योंकि इन्होंने खुद को ये अज्यूम करवा लिया। देखो बात मैंने वहां पे डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या, कि देखो जो मेनली क्या था, राजा जो होता था और उनका रिलेशन जो ब्राह्मण्स के साथ होता था वो बहुत ही म्यूचुअल बेनिफिशियल था। क्यों? क्योंकि भैया इनको ये जमीन देता था, इकोनॉमिक बेनिफिट देता था, बदले में ये क्या करता था, किंग का जो स्टेटस था उस पर डिवाइन स्टेटस का जोड़ दिया जाता, मतलब क्या भगवान का अवतार टाइप का। ठीक है, तो नेचुरल से बात है भगवान का अवतार है तो लोग भी कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, जैसे है वैसा ही, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार है तो ठीक है, चलो अब क्या बोल सकते हैं कि जैसे रूल कर रहे हैं भगवान का मर्जी जैसे। ठीक है, तो मेरे लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप था। चालुक्य ने भी यही काम किया, क्या कि उन्होंने अपने रॉयल सिंबल को वाइल्ड बोर का सिंबल अडॉप्ट किया। ठीक है, और ये बोला कि भैया ये जो वाइल्ड बोर का सिंबल है इसलिए हमने अडॉप्ट किया बिकॉज हम चालुक्य के लोग जो लोग है ना भगवान विष्णु के जो वराह अवतार होते हैं ना उनके वंशज है। हेलो हेलो, अब आ रहा है? हेलो, ठीक है, हाँ, तो मिली हुआ है क्या? हाँ, इट वॉज क्लेम्ड दैट इट रिप्रेजेंटेड द वराह अवतार ऑफ विष्णु इन विच ही इज सेड टू हैव रेस्क्यूड द गॉडेस ऑफ द अर्थ। ठीक है,
तुमने बढ़ा मतलब वर्ल्ड बोर का सिंबल, इसलिए वाइल्ड बोर का सिंबल अडॉप्ट किया ये मैसेज देने के लिए, भैया हम लोग भगवान विष्णु के वंशज है, ठीक है, उनके बड़ा अवतार के। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? अब रॉयल वुमन का क्या कंडीशन था उस टाइम में रॉयल वुमन का, ठीक है, तो रॉयल वुमेन जो थी वहां पर, ठीक, तो वहां आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है, चालुक्य और बादामी का, चालुक्य डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो चीज हम लोग को पास्ट में किसी के अंदर देखने को नहीं मिला था, वो ये था कि इनके अंदर क्या था, जो रॉयल लेडीज होती थी, रॉयल प्रिंसेस जो होती थी ना, या फिर जो बोलिया जाए रॉयल वुमेन जो होती थी, उनको प्रोविजनल गवर्नर्स बनाया जाता था। क्लियर है? उनको प्रोविजनल गवर्नर्स अपॉइंट किया जाता था। इधर से बहुत आवाज आ रहा है। किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। रॉयल वुमेन्स वे अपॉइंटेड एज प्रोविजनल गवर्नर्स, दे ऑल्सो इश्यूड कॉइन्स इन सम इंस्टेंस, अपना नाम का कॉइन भी इशू कर देते थे। एग्जाम्पल क्या, इससे पहले जितने भी कॉइन्स हम लोग को देखने को मिले उनके पीछे, उनके ऊपर जो इमेज होता था, इंस्क्रिप्शन होता था, मेनली मेल का होता था, जो राजा का होता था। बट चालुक्य के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल थी ना, मतलब फीमेल प्रिंसेस जो थी या फिर रॉयल वुमेन जो थी, वो प्रोविंशियल गवर्नर भी बनती थी, और प्लस वो अपने नाम पे कॉइन्स भी इशू करवाती थी। तो विजया बता कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन बनवाया था, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एक चालुक्या प्रिंसेस थी, उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन बनवाया था। बताए ये याद रखना है क्या, चालुक्या किंगडम के अंदर जो वुमेन्स थी उनके पास सफिशियंट ऑटोनॉमी था, मतलब वो प्रोविंशियल गवर्नर भी बनती थी, ठीक है, ठीक, अपना कॉइन्स भी इशू करती थी, प्लस इंस्क्रिप्शन भी बनवाती थी अपने नाम से, जो कि इसके पहले किसी भी डायनेस्टी में देखने को नहीं मिला, और इसके बाद भी शायद अब निग्लिजिबल ही देखने को मिलेगा हम लोग को। पल्लवा क्वींस डिड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द, अब डिफरेंस क्या होगा देखो, चालुक्य और पल्लवास के बीच सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम था दोनों का, लेकिन यहाँ पे वुमेन्स का ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, चालुक्य के अंदर क्या होता है, वुमेन्स यहाँ पर रॉयल गवर्नर्स जो जो रॉयल वुमन होती है वहाँ पे ये गवर्नर्स बन सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे गवर्नर्स नहीं बन सकती है, यहाँ पे एक्टिव पार्ट ले, एक्टिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, बट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती पल्लवा के अंदर, ठीक है। पल्लवास क्वीन डिड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, बट दे बिल्ट श्राइन्स इंस्टॉल इमेजेस ऑफ वेरियस डिटीज एंड गिफ्ट टू टेम्पल्स, ठीक, तो मेली क्या दान पुण्य का काम देखती रहती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेती पल्लवास की वुमेन, लेकिन यहाँ पे क्या चालुक्य के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट लेती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर है? ये मेन डिफरेंस क्लियर हुआ भैया? सॉरी, आप दोबारा लॉग इन करो तो, मतलब मेली देखो चालुक्य, हाँ चालुक्य और पल्लवास के अंदर मेन डिफरेंस ये था कि चालुक्य के अंदर जो रॉयल वुमेन थी ना, ठीक ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्लियर, बट पल्लवास के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक। पल्लवास क्वीन डिड नॉट टेक पार्ट एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बट वो खाली मंदिर वगैरह मूर्ति वगैरह बनवाना वो सब काम करती रहती थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेती थी, ठीक। अब देखते हैं किंग्स और मिनिस्टर्स का रिलेशन क्या था। ऑल पावर्स वर वेस्टेड इन द किंग, तो किंग वॉज द सुप्रीम लीडर। इंस्क्रिप्शन डू नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट दे डू रिफर टू अ काउंसिल, ऑफिशियल काउंसिल, ठीक है। तो मेनली क्या कि इंस्क्रिप्शन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का देखने को मिलता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का मिनिस्टर्स होता है उसका नाम, लाइक प्रधाना तो मतलब हेड मिनिस्टर, ठीक ना, महासंधि विशेषज्ञ फॉरेन मिनिस्टर, संधि के नाम से एक तरह से फॉरेन ट्रीटी बोल सकते हो। अमात्य जो होता था उसको रेवेन्यू मिनिस्टर को अमात्या बोलते थे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज होता था उसको समाहर्ता बोलते थे, गिफ्ट वगैरह देना वगैरह। चालुक्य डिवीजन डिवाइडेड द स्टेट फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चालुक्य का डिवीजन जो होता था क्या था, विषयरम राष्ट्रम नाडु मतलब हो गया ब्लॉक बोल सकते हैं उसको, ग्राम गांव हो गया, ठीक है, इसको प्रोविंस बोल सकते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं एक टाइप से, इसको ब्लॉक बोल सकते हैं, इसको गांव बोल सकते हैं। विषयपतिज एक्सरसाइज देयर पावर इन ऑर्डर टू द किंग, समानता वे फ्यूडल लॉर्ड फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, तो वहां पर फ्यूडल लॉर्ड जो मैं बताया कि जमींदार टाइप का गांव के अंदर जो जो जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था, जैसे तो गांव के अंदर ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे हमारा, ठीक है, ग्राम ग्राम दिया हुआ था, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मेमोराइज है। महाट्रास वो द प्रोमिनेंट विलेजमैन, देखो यहाँ पर क्या है टर्म जितना समझ में आ रहा है उतना समझो यहाँ तो करना, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है मेडिवल हिस्ट्री से हार्डली एक या दो क्वेश्चन ही आने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है कि प्रोविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। जनरली द किंग अपॉइंट द सन एज द प्रोविजनल गवर्नर, जैसे अशोका के टाइम में भी हुआ, मुगल के टाइम में मिली हुआ था, ठीक, अशोका के टाइम में भी यही हुआ था मेरा, क्या जो किंग्स होते थे वो अपने सन्स को प्रोविजनल गवर्नर्स के तौर पे, गवर्नर्स के तौर पे अपॉइंट करते थे, जिससे कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मिले और इन फ्यूचर अगर वो राजा किंग बनते हैं तो वो एक्सपीरियंस उनके काम में आए। ठीक, गवर्नर्स कॉल देम से राजा, जो गवर्नर था वो राजा कहलाता था और जो रियल किंग होता था वो महाराजा कहलाता था। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। सम गवर्नर्स हेल्ड अ टाइटल महा समानता एंड मेंटेन ट्रूप्स, ठीक है, तो कुछ गवर्नर जो होते थे वो अपना पर्सनल ट्रूप्स भी मेंटेन करते थे। चीफ ऑफ विषय, जो विषय होता था हमारा उसका जो चीफ था, ऑलरेडी हमने गुप्ता पीरियड के टाइम में देखा था, ठीक है, विषयास को विषयपति कहते थे। ठीक, तो जो विषय होता था वो क्या होता था, कुप्ति में डिवाइड होता था, ठीक है, ये हमने देखा था। विलेज वेल्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहता था मेरा, ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ द विलेज वेर कॉल्ड नाला, ठीक है, ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ द विलेज वेर कॉल्ड नाला का गुंडास, नाम इंपॉर्टेंट है तो याद है तो रहे, अच्छी बात अपना भूल जाओ। सेंट्रल फिगर इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कमुंडा और पोकीगन, हु वर अपॉइंटेड बाय द किंग। तो मतलब क्या हो रहा है, किंग, देखो विलेज लेवल के अंदर भी क्या है, किंग ही डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं अपने बंदों को। विलेज अकाउंटेंट वॉज कनाला एंड कॉल्ड ग्रामीणी। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द विलेज वॉज इन द हैंड ऑफ द ग्रुप कॉल्ड पीपल महाजनम। देयर वॉज अ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड महापुरुष इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड पीस इन द विलेज, ठीक है। नागर पट्टी जन ये ऑफिसर इन द टाउन, नगर से याद रख सकते हो यहाँ पे। तो ये था हमारा विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। रिलीजियस कैसा था हमारा, तो सिर्फ चालुक्य के अंदर क्या था कि चालुक्य पैट्रोनाइज बोथ सेविज्म एंड वैस्टिज्म, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मतलब टाउन्स के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स होते हैं टाउन्स के अंदर, टाउन्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं ऑफिसर्स, उनका नाम था टाइटल ऑफिशियल्स का, जैसे आज के टाइम में होता है ना एसडीएम डीएम एएसपी इस टाइप का टाइटल। हाँ, तो चालुक्य पैट्रोनाइज बोथ सेविज्म एंड वैस्टिज्म। तो आज को क्वेश्चन जो आ रहा था वो आर्ट आर्किटेक्चर या लिटरेचर या रिलीजन पे ज्यादा फोकस होता है, तो ये समझ लेना कि चालुक्य ने वैस्टिज्म और सेविज्म दोनों को प्रमोट किया, दोनों को पैट्रोनाइज किया। दे बिल्ड टेम्पल फॉर विष्णु एंड शिवा, उन्होंने दोनों के लिए एक टाइप से वो किया, मतलब बिल्ड किया टेम्पल। ब्राह्मिन्स ग्रुप वेर इन्वाइटेड फ्रॉम द गैंगटिक रीजन एंड सेटल टू परफॉर्म रेगुलर पूजाज एंड कंडक्ट फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज इन द टेम्पल। तो जो गंगा रीजन था यहाँ से नॉर्थ इंडिया से बुलाया गया, भैया आओ ब्राह्मण सब यहाँ पे बसो, यहाँ पे पूजा पाठ करो, ये सब करो, ये सब चीज। चालुक्य रूलर लाइक कृतिवर्मन कुलकृष्ण टू परफॉर्म यजनास, दे बोथ टाइटल सच एज महा, उन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट किया, यजना भी किया, यज्ञ वगैरह भी किया। चालुक्य गेव प्रोमिनेंट प्लेस टू कार्तिकेयन द वॉर गॉड, ठीक है, तो ये मतलब इनको भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिया, मतलब कार्तिकेयन उनके लिए इम्पोर्टेंट भगवान थे। शैवा मॉन्टेसी बिकेम सेंटर ऑफ पॉपुलर सिविज्म, ठीक है, तो भगवान शिव का जो ज्यादातर देखो जो वो था ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, ज्यादा प्रमोट किया उन्होंने, मंदिर वगैरह बनवाया, ठीक है। और इवन भगवान शिव के जो मतलब बेटे थे एक टाइप से कार्तिकेयन, उनको भी एक टाइप से इम्पोर्टेंट प्लेस दिया यहाँ पे एज अ वॉर गॉड उनको मानते हो। चालुक्य ऑल्सो पैट्रोनाइज हेटेरोडॉक्स सेक्शन डॉटेड लैंड टू द जैन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे यह रखना कि चालुक्य ने भले ही जैनिज्म और बुद्धिज्म को, मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म को दिया, लेकिन उनका जो मेन रिलीजन था, उनका जो मेन सपोर्ट था, वैष्णिज्म और सेविज्म को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, उसको प्रमोट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रिक्ट था, उन्होंने टॉलरेंट बिहेवियर दिखाते हुए, टॉलरेंस दिखाते हुए, टॉलरेंस शो करते हुए अदर जो सेक्शन था उसको भी पैट्रोनाइज किया, उसको भी सपोर्ट किया, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। रविकृति द कोर्ट पोएम ऑफ पुलकेशिन टू वाज जैन स्कॉलर, यहाँ तक कि क्या एक जैन स्कॉलर को उन्होंने अपना कोर्ट पोएम भी बना के रखा था। इन द रीजन ऑफ कृतिवर्मन टू अ जैन विलेज ऑफिशियल्स बर्नड अ जैन टेम्पल, तो छोटा मोटा डिसीजन देखने को मिलता है हम लोगों को, बट वो छिटपुट घटना था, तो ऐसा कह नहीं सकते कि हम लोग ये इंटॉलरेंट बिहेवियर उन्होंने शो किया, बिकॉज रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा काम किया हो। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि अच्छा वो जब मुगल पढ़ेंगे तो वहां देख लेते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुन सैंग देयर वेर मेनी बुद्धिस्ट सेंटर इन चालुक्य टेरिटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि जब हुन सैंग वहां गया चालुक्य किंगडम के अंदर घूमते घूमते, उन्होंने वहां पे बहुत सारा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखा था, तो सिंपल सी बात है क्या कि उन्होंने प्रमोट किया होगा इंटॉलरेंट मतलब बिहेवियर नहीं दिखाया होगा, टॉलरेंस दिखाया होगा। अब देखते हैं लिटरेचर एडुकेशन कैसा था इनके टाइम में। चालुक्य यूज संस्कृत इन क्लियर इंस्क्रिप्शन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जो भी किंगडम जैनिज्म सॉरी जो भी किंगडम सेविज्म और वैष्णिज्म मतलब हिंदू रिलीजन को प्रमोट करेगा, वो अपना एक टाइप से जो लैंग्वेज उसका होगा संस्कृत ही होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं संस्कृत उन्होंने भगवानों का लैंग्वेज समझ के
एक्सेप्ट किया था, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना है कि पढ़ते टाइम संस्कृत कभी भी लैंग्वेज ऑफ मासेस नहीं था, वो हमेशा लैंग्वेज क्लासेस था, रूलिंग क्लासेस होता था, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश क्या कहना है, इलिट लैंग्वेज को समझा जाता है। उसी टाइम में, उस टाइम में संस्कृत भी उस टाइप का इलिट लैंग्वेज था, ठीक है। वो कॉमन लोगों का लैंग्वेज नहीं था वो। अ सेवंथ सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ द चालुक्य किंग ऑफ बदामी मेंशन कन्नड़ा एज द लोकल प्रकृति, उसी का फॉर्म था कन्नड़ा। मीनिंग ऑफ पीपल्स लैंग्वेज एंड संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ कल्चर, ठीक। तो पुलकेशिन टू के टाइम में क्या होता है, एक भाई साहब ये होते हैं सप्तवर्मा इन संस्कृत, तो एक ग्रामर वर्क होता है, ठीक है। पुलकेशिन ने एक बुक लिखा था सप्तवर्मन, जिसे संस्कृत ग्रामर के वर्क में था। फिर चालुक्य टाइम में आर्किटेक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करने के लिए क्वेश्चन जो आता है मेनली यहीं से आता है मेनली। या तो वो पूछेगा आपका रिलीजियस कैसा था उस टाइम में, आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। इन डेक्कन चालुक्यास इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ टेम्पल बिल्डिंग यूजिंग सॉफ्ट सैंडस्टोन एज मीडियम, ठीक। तो साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है कि टेम्पल बिल्डिंग का जो न्यू टेक्निक स्टार्ट होता है, इसके टाइम स्टार्ट होता है। इन बदामी टेम्पल वेयर डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा एंड टू जैन त्रिरत्नकास, ठीक। तो उन्होंने क्या था, विष्णु और शिवा दोनों का टेम्पल बनवाया था बदामी के अंदर। टेम्पल्स वेयर ग्रुप इन टू टू कैटेगरी, केव टेम्पल एंड स्ट्रक्चर टेम्पल। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था केव टेम्पल के बारे में और स्ट्रक्चर टेम्पल के बारे में। तो मेनली क्या होता है, गुप्ता के पहले क्या होता है, टेम्पल हमारा बनता है केव टेम्पल बनता है, मतलब क्या केव को काट छाट के बनाता है, ठीक है। लेकिन गुप्ता के टाइम से क्या स्टार्ट होता है हमारा, स्ट्रक्चर टेम्पल, मतलब क्या एक प्लेन जगह पे अलग अलग तरीका से टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट होता है मेरा, जिसको फिर हम दो पार्ट डिवाइड करते थे मेनली, नगरा और द्रविड़ा, एक विसारा भी होता था। बदामी इज नोन फॉर बोथ स्ट्रक्चर एंड केव टेम्पल। तो बदामी के अंदर दो टाइप का टेम्पल था, केव टेम्पल भी था, स्ट्रक्चर टेम्पल भी था। पत्तकाल एंड अहिहोल आर पॉपुलर फॉर स्ट्रक्चर टेम्पल। आप देख लेते अहिहोल के अंदर जो टेम्पल था उनका क्या हमारा डेवलपमेंट था। अहिहोल का एक प्लेस का नाम था, वहां पे क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल डेवलपमेंट हुआ था। तो उस टेम्पल वाले का आइडिया ले लेते, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ द फेमस मेडिवल, ठीक। तो हमने देखा था गिल्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, गिल्ड हमारा क्या होता था, एक मर्चेंट का ग्रुप होता था, ठीक है। वो अबाउट 70 टेम्पल्स आर लोकेटेड अहिहोल। अहिहोल के मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये टेम्पल बिल्डिंग साइट था हमारा, यहाँ पे 70 टेम्पल्स बनाया गया था चालुक्य के टाइम में। द अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल इज लाड खान टेम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि लाड खान टेम्पल कहाँ पर है, अहिहोल के अंदर है। इट्स यूनिक पिलर विथ अ बिग कैपिटल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टाइल। A temple dedicated to the goddess Durga was built on the model of Buddhist Chaitya. So Lord Durga ka bhi ek model hai yahan pe. It stands on a raised platform in the form semicircle. Chalukya also built Jain temple. Migudi Jain temple is evident of the evolution of temple architecture under the Chalukyas. Mandapa type cave are preserved at Ayol. Yahan pe kuch yaad na rahe to khali ye yaad rakhna hai ki Lord Khan temple jo Ayol mein. To Batapi ke andar bhi inhone temple banwaya tha. So there are four cave in Badami. Theek hai. लार्जेस्ट जिसमें कौन सा है, मंगलेशा है, जो भगवान विष्णु को दिया गया। तो ये याद रखना है कि मंगलेशा टेम्पल जो बनाया गया था बतापी के अंदर, वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। खैर इतना रिलीजियस क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं क्या कभी भी यूपीएससी। द रिलैक्सिंग पोस्चर ऑफ, यहाँ पे जो भगवान विष्णु का जो पोस्चर कैसा, वो आराम से एक साइड सोते हुए, ठीक है, शेषनाग के ऊपर। इरिस्पेक्टिव रिलीजन आर्किटेक्चर फीचर शेयर अ कॉमन स्टाइल। मतलब क्या कि पहले कोई भी रिलीजन का आप मूर्ति क्यों ना बनवा, कोई भी रिलीजन का आप टेम्पल क्यों नहीं बनवा रहे हो, लेकिन सबके अंदर कुछ कुछ कॉमन स्टाइल होता था। इट एस्टैब्लिश्ड द टेक्निकल इंपॉर्टेंस एंड सेक्युलर एटीट्यूड ऑफ बोथ पैट्रोन एंड आर्किटेक्चर। तो इसका यूज क्या होता है, प्लीजियस इस टाइप का जो टेम्पल, एक टाइप से जो कुछ जो मतलब, चाहे वो सेविज्म का टेम्पल बने, शिवा का, चाहे विष्णु का बने, चाहे जैन का बने, ठीक है। तो मतलब क्या, इन सारे टेम्पल बिल्डिंग में कुछ चीज कॉमन होता था, और वो कॉमन चीज क्या, हमारे सेक्युलर स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता था। एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट था हमारा क्या, पट्टदकाल। यहाँ पे मतलब राजा लोग रिचुअल्स वगैरह करते थे, मस्त मेगा योग टाइप का, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल, यहाँ पे याद करना कि पट्टदकाल में मेरा क्या हुआ था, विरूपक्षा टेम्पल था, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ये। विरूपक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट एट द ऑर्डर ऑफ क्वीन टू सेलिब्रेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांचीपुरम बाय हर हस्बैंड, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे खाली ये याद रखना है, विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे मेरा, पत्तदकाल। ये इंपॉर्टेंट मेरा एंशियंट या मेडिवल के साथ इंपॉर्टेंट है, ये मेरा आर्ट आर्किटेक्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो आने का चांसेस हो सकता है। द यूनिक फीचर ऑफ द स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ट बाय राजसिम्हा एट मालापुरम वॉज अडॉप्टेड हियर बाय चालुक्य। जो भी मॉन्यूमेंट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद द रूलर हु बिल्ट देम, उनके नाम का बन जाता था। हाउएवर देयर वर सेवरल सिग्नेचर ऑफ द सेवरल, ये मतलब हर राजा ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ यूनिक चीज, एक टाइप से मतलब अपना अपना सिग्नेचर देने का कोशिश किया, या अपना यूनिक चीज
आर्किटेक्चर के अंदर इन्वॉल्व करवाया। आउटर वॉल आर रिचली डेकोरेटेड विद पेनी पैनल रिप्लिकेटिंग द सीन ऑफ कैरेक्टर रामायण। मतलब क्या कि जो टेम्पल जो होता था उसका बाहर का जो दीवार होता था ना उसके ऊपर रामायण का सीन वगैरह को लोग डिप्रिक करवाता था। इन पत्तद काल चालुक्यास बिल्ट मोर देन 10 टेम्पल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ चालुक्य इन आर्किटेक्चर। ठीक, तो मेरे लिए याद रखना है कि उसके टाइम में वतापी में था मेरा, ठीक है, फिर बदामी में था, पत्तद काल में था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल दिस टेम्पल आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, इंडो आर्यंस एंड द्रविड़। मतलब इंडो आर्यंस हम लोग बोल सकते हैं नागरा वाले कोई। तो इसके टाइम में पेंटिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ था, पेंटिंग आर फाउंड इन दैट केव टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु इन बदामी। तो पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। चालुक्य अडॉप्टेड द वकाटका स्टाइल इन पेंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वकाटका स्टाइल किससे रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वकाटका स्टाइल इज रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, केव पेंटिंग, ठीक है, केव बिल्डिंग, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टाइल हो सकता है, तो पेंटिंग से रिलेटेड है। मेनी ऑफ द पेंटिंग आर रिलेटेड टू विष्णु। मोस्ट पॉपुलर चालुक्य पेंटिंग इज इन द प्लेस बिल्ड बाय इस राजा ने, ज्यादातर चालुक्य पेंटिंग यहाँ पे था मेरा। ठीक है, तो मेरा चालुक्य खत्म होता है। देखो एक चीज ये याद रखना है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये जो चैप्टर था हमारा ना, ये मेनली क्या था, एंशियंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे राजा का नाम वगैरह उसे इंपॉर्टेंट नहीं उतना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम हुआ था ना चालुक्य के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉमन जुगाड़ है वैसे याद रखने का कि मेनली जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, मेनली जो भी आपका काम हो रहा है, जो मूर्ति बन रहा है, मंदिर बन रहा है ना, वो डेडिकेटेड होगा भगवान विष्णु को लेकर। ठीक है, और साउथ के अंदर जो बन रहा है वो शिव जी को लेकर डेडिकेटेड होगा। ठीक, तो ये कॉमन जनरल पर्सपेक्टिव हम लोग समझ सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं, ये हार्ड एंड कोर रूल है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है हमारा। ठीक है, हाँ भैया, नहीं मेडिवल में आर्किटेक्चर नहीं, देखो कुछ फेस क्या होता है ना, देखो साउथ इंडिया के जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम होने का चांसेस होता है मेरा, वो होता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। ठीक है, ये मेडिवल एक्जैक्टली हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, मेडिवल स्टार्ट नहीं हुआ है, मेडिवल हमारा, देखो मैंने क्या बताया था कि हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है मेडिवल स्टार्ट करने का, हमारा टॉपिक होता है। जैसे एग्जाम्पल हम जैसे देखा था ना, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने पोर्टुगीज का, मुगल वाला, जैसे यहाँ पे ये समझ लो। तो मेनली हम लोग क्या मेडिवल उस पीरियड से स्टार्ट मानते हैं जहां पर मेनली क्या होता है कि फॉरनर्स लोग इंडिया में आना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल अरब्स के लोग स्पेशली। ठीक है, अरब्स का इन्वेजन जब इंडिया में होता है तब से हम लोग मानना स्टार्ट करते हैं हमारा स्टार्ट हो चुका है हमारा मेडिवल पीरियड, जो कि अराउंड 8th सेंचुरी में हमारा अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गया होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब हाँ यूरोपियन के आते आते खत्म बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, उनका आने का खत्म हो जाता है, बट ऐसा को मैंने बोला इसे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ, हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था इस टाइम फ्रेम के अंदर कि मेरा नॉर्थ में क्या डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, पाला वगैरह सब देख लिया था। तो साउथ में हमारा क्या चल रहा था वो हमने देख लिया, हमने देख लिया कि चालुक्य वाला, अगले क्लास में हम लोग पल्लवास देख लेंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वही कि जो इन्वेजन अरब का स्टार्ट होता है वहां से। तो ये रहा मेरा वो चैप्टर तमिलनाडु बोर्ड का, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले कि जिससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बिकॉज खुद से जितना भी पढ़ लो बट अल्टीमेटली लगता नहीं कि बुक से पढ़ा है तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता, इसलिए बुक से भी देख लो क्या क्या था। हाँ आएगा आएगा, देख लो वका टका शायद कर चुके हैं हम लोग। देखो ये हमारा रहा, ये चैप्टर रहा हमारा, ठीक है, साउथ कल्चर डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन देख लिया था उसके अंदर। ठीक है, सब कुछ सोर्सेज देख लिया था हमने ऑलरेडी। ठीक है, क्या क्या रहता है हमारा, कॉपर प्लेट रहता है, खुर्रम कॉपर प्लेट हमने देख लिया, फिर चालुक्य के बारे में देखा, चालुक्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने, फिर हमने देखा रॉयल वुमेन का कंडीशन कैसा था, किंग एंड मिनिस्टर कैसा था, आई होल इंसेप्शन ऑफ पॉलिटिशियन टू देख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखा, लिटरेचर देखा, एडुकेशन देखा, चालुक्य का आर्किटेक्चर देखा हमने। ठीक है, फिर रिलीजन देखा हमने, आईहोल इंस्क्रिप्शन देखा हमने, फिर ये रहा हमारा आईहोल दुर्गा टेम्पल। ठीक है, ये हमने देखा विरूपक्षा के अंदर जो पट्टदकाल टेम्पल था वो कैसा था मेरा। ठीक, पेंटिंग देखा हमने, अब मेरा स्टार्ट होगा अगले चैप्टर क्लास के अंदर मेरा पल्लवा स्टार्ट होगा। ठीक है, दोनों पीछे कंटिन्यू होगा, पल्लवा बहुत लंबे टाइम से ग्रुप करता है, ये देखो पल्लवा, ये रहा मेरा यहाँ पे क्या था मेरा चालुक्य था। ठीक है, और ये पल्लवा, तो नेचुरल से बात है दोनों एक अच्छा खासा टेरिटरी को रूल कर रहे थे, दोनों पीछे कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो बड़ा किंगडम आसपास रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे उसका, फिर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें देख लेंगे हम लोग टैंक इरीगेशन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये साउथ इंडिया के ज्यादा है ना, तो हमने क्या देखा कि हमारा भले ही हमारा चालुक्य ने ज्यादा फोकस किया था वैष्णिज्म और जैनिज्म, मतलब सॉरी हमारा लॉर्ड
विष्णु और लॉर्ड शिवा दोनों को इंपॉर्टेंट रोल दिया था, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ में आते रहेंगे हमारा विष्णु का एक टाइप से वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस घटते जाता है, और भगवान शिव का जो एक टाइप से वो रहता है ना वो ज्यादा इंक्रीज करते जाता है। तो ये हम देख लेंगे अगले क्लास के अंदर।